नाश्ता नहीं बनाया अम्मा? ये सवाल तो तुम अपनी बीवी से जाके करो। मुझे इस कदर भूख लग रही थी, कब से यहाँ बैठे इंतजार कर रही हूँ। है काम आ रहा नहीं अरे अम्मा, वो आपने उसका हाथ जला दिया था ना, तो बुरा हाल है बेचारी का। तो इसका मतलब है हमें भूखा रखेगी वो। अब हद हो गई। अरे अम्मा, कुछ सोचे, अब ऐसी हालत में घर के कामकाज कैसे करेगी बेचारी? जमशेद, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहाड़ टूट पड़ा हो। आयशा ने कोई जलता हुआ कोयला नहीं रख दिया उसके हाथ पर। जरा सी चाय गिर गई थी और क्या। ड्रामे कर रही है वो, ड्रामे। अरे अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद मरहम लगाया उसे कल, अच्छा खासा जलाया है, और मैंने ही उसे मना किया है घर के काम वाम करने से, जब तक ठीक नहीं हो जाती आराम करने दो बेचारी को। और अम्मा, आपको बोल रहा हूँ, ये ज़रा ना आपा को समझाएं, ये अपना गुस्सा ना मेरी बीवी पे निकालना छोड़ें वो। देख रही हूँ जमशेद, सब देख रही हूँ। ये जो तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो, उसकी खिदमत गुजारियां कर रहे हो, है? देख रही हूँ तुम्हारी नाइंसाफी। अरे अम्मा, कोई ना इंसाफी नहीं कर रहा, ना आपके साथ ना किसी और के साथ। बाकी आपा ने जो किया वो गलत किया, मैं तो खैर छोड़ें यार, आप भूख लग रही है, कुछ आप बना के ला देना। मैं किचन में जाऊं? अगर मुझे भूख ना लगी होती ना तो कभी उठते ना जाती। ऐसी औलाद को औलाद बैठी रहे मेज पर, वो सोती रहे महारानी, और माँ किचन में जाए। तोबा तोबा तोबा, बहुत ही बुरा वक्त आ गया है।